गुड मॉर्निंग क्लास 9, दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे लेसन्स पढ़ने हैं, तो उन लेसन्स को पहले देखते हैं। तो ये रहा आपका वो लेसन, इसमें पहला लेसन है द एज ऑफ सोशल चेंज, दूसरा है द रशियन रिवॉल्यूशन, तीसरा है द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राद, चौथा व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, एंड फिफ्थ एंड लास्ट द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड द USSR। तो अब यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है लेसन 1, द एज ऑफ सोशल चेंज। तो ये एज ऑफ सोशल चेंज में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी पहले आप देखिए। यहाँ पे आप जितने तो स्टार का दिख रहा है साइन, ये सब पॉइंट्स इस चैप्टर का, सोशलिज्म, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड स्पिरिट फॉर सोशलिज्म, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ना है। तो आपको ध्यान देना है, आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि पूरे क्लास में ना 1 to 10th में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप ही को होने वाला है, क्योंकि आपका 8 के बाद 9th से हर चीज़ बदल गया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है 9th का सिलेबस, क्योंकि ये 10th से जुड़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा ध्यान दोगे ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो चलो ये पॉइंट्स हम 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप कुछ सुनिए, 18th सेंचुरीज के समय में पूरे यूरोप के अंदर समाज में बदलाव आ रहा था और समाज में परिवर्तन आ रहा था। उसका आपने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राजा वाला सिस्टम ख़त्म हो रहा था और समाज में नए तरह के सोच लोगों के बीच में आ रही थी। तो यूरोप में समाजवादी सिस्टम यानी सोशलिज्म कैसे आई, उसी को समझना है। हालांकि ये सोशलिज्म का जो टर्म है वो दुनिया के अलग अलग कंट्री में शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ यूरोप का समझना, और यूरोप में यहाँ पे सोशलिज्म को समझने के लिए 3 ग्रुप पहले आए, लिबरल्स, इन्हीं लोगों ने सोशलिज्म का नया टर्म दिया, लिबरल्स के साथ रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, ये 3 ग्रुप थे। तो पहला हम लोग का टर्म बनता है कि सोशलिज्म है क्या। तो यहाँ आपको सोशलिज्म दिख रहा है, ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच एडवोकेट्स दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज शुड बी ओड और रेगुलेटेड बाई कम्युनिटी एज ए होल। क्या कह रहा है कि एक तरह का पोलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी माना जाता है सोशलिज्म, जिसके तहत जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सपोर्ट करता है, वकालत करता है, किस चीज़ का, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चीज़ों को एक्सचेंजिंग का, जिसके ऊपर अधिकार कैसे हो, पूरे कम्युनिटी को एक सिंगल रूप में पूरे कम्युनिटी का इस चीज़ों पे अधिकार हो, इस तरह के सोच को ही कहा जाता है सोशलिज्म। तो अभी आपने बोर्ड पे क्या देखा था, 3 पॉइंट देखा था, लिबरल्स देखा था, लिबरल्स के साथ आगे क्या देखा था, रेडिकल्स देखा था और कंजर्वेटिव्स देखा था। तो बोर्ड पे ना जा करके वापस मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप लिबरल्स देखिए, लिबरल्स क्या है, ये एक ऐसा सोशल ग्रुप्स है जो बदलाव चाहता है सोसाइटी में, या सोसाइटी को इस तरह से बनाना चाहता है। जैसे क्या सोचे इनका जरा वो देखें, दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाई ए वेल ट्रेन्ड जुडिशियरी दैट वॉज इंडिपेंडेंट। मतलब ये एक ऐसा देश चाहते हैं, एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म का गवर्नमेंट हो, जहाँ पे लॉ के अनुसार शासन किया जाए, और लॉ भी कैसे बने, जुडिशियरी के द्वारा, जो इंडिपेंडेंट हो, जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं हो। इसी तरह से आप देख रहे हैं रेडिकल्स का, रेडिकल्स क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं एक ऐसा गवर्नमेंट जो कंट्री के मेजोरिटी के पॉपुलेशन के आधार पर बने, यानी पॉपुलेशन में जिस ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो उनके आधार पर सरकार बने। अच्छा, और क्या दिख रहा है इनका थॉट, कि ये जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, द आइडिया ऑफ नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ ए फ्यू वाज डिसलाइक्ड बाय देम। मतलब ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो आइडिया है, ये इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और इनका ये प्रॉपर्टी को किसी एक हाथ में हैंडल कर, किसी एक व्यक्ति के द्वारा हैंडल किया जाने के समर्थन का भी सपोर्ट
नहीं करते, ये रेडिकल्स है, ये इस तरह का सोसाइटी चाहते हैं। अब कंजर्वेटिव्स का देखिए, जो कंजर्वेटिव्स है ये समझ लो पूरा का पूरा मोनार्कीज ग्रुप वाला, राजा वाला ग्रुप है, जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहता है। ये देखो, ये रिस्पेक्टेड द पास्ट, पास्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड चेंज का विरोध कर रहे हैं, ये बदलाव नहीं चाहते हैं। लेकिन जब रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बाद इन्होंने बदलाव को एक्सेप्ट किया, वो भी स्लोली स्लोली। तो अब चौथा पॉइंट पे चलते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। क्या है ये, हुआ क्या 18 सेंचुरीज में, रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो गया, इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप होने लगी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड एक अलग समाज बन गया जिसको इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा गया। तो इससे भी बदलाव आया समाज में। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में देखो क्या हुआ, जितने भी मेन वुमेन या चिल्ड्रेन थे, इन सबको मजबूर किया गया, या फिर ऐसे कहो गरीबी की वजह से इन लोग फैक्ट्रियों में कम मजदूरी पे काम करने को मजबूर हो गए। तो इनका जो एक समाज बना उसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा गया। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो ऑनर हुआ करते थे उसमें बहुत सारे रेडिकल्स और लिबरल्स भी होते थे। लेकिन इन लोग का सोच क्या होता था, इन लोगों को लगता था कि यदि फैक्ट्री ऑनर्स वर्कर्स के इफोर्ट पर विचार करें, वर्कर्स के आज़ादी पर विचार करें, उनको बढ़ावा दी जाए, तो शायद प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। यानी ये रेडिकल्स लिबरल्स क्या करना चाहते थे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को सपोर्ट करते थे। तो ये एक तरह का समाज बना, आज भी है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वर्करों का अलग सोसाइटी है। तो आगे का टॉपिक देखते हैं, यहाँ आगे का टॉपिक आपको क्या दिख रहा है, कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया। तो यूरोप में सोशलिज्म के तीन बेस माने गए, द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, द आइडिया दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो इसी को देखते हैं कर एक एक करके। तो ये जो सोशलिस्ट लोग थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध थे। इनका मानना था कि जितने प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सारी बुराइयों का जड़ है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई एक सिंगल व्यक्ति मालिक होता है और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्रोडक्शन करते हैं बहुत सारे वर्कर्स लोग, लेकिन प्रॉफिट क्या करता है, मालिक अपने आप बीच में बांट लेता है और वर्करों को नहीं देता है। इसीलिए इसको सारे बुराइयों का जड़ मानते थे, रूट ऑफ ऑल इवेंट्स। तो ये जो सोशलिस्ट थे ये सोसाइटी का डिमांड कैसे कर रहे थे, यानी सोसाइटी बनाना शुरू कैसे किया यूरोप में, वो यहाँ पे आइडिया दिया हुआ है। तीन तरह का आइडिया यहाँ पे था, आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स मतलब क्या हुआ, लोगों का एक ग्रुप जो क्या कर सके, उस ग्रुप वो ग्रुप मिल करके एक समाज बना, और इस तरह का सोसाइटी बनाया गया यूएसए में। नाम था न्यू हारमोनी इन इंडियाना, बनाने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट ओवेन, ये सपोर्ट करता था इसको। इसी तरह से दूसरा आइडिया था द आइडिया दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स। कुछ को लगता था नहीं, ये कोऑपरेटिव्स जो है इसको जब तक गवर्नमेंट इनकरेज नहीं करेगी ये सक्सेसफुल नहीं होगा। इस तरह का एग्जाम्पल मिलता है फ्रांस में लुइस ब्लॉक का, यहाँ पे जो कोऑपरेटिव्स है ये भी वही काम कर रही है, सब मिल के साथ रह रहा है और प्रॉफिट को सब इक्वली बांट रहा है। लेकिन इन दोनों आइडिया से एक तीसरा आइडिया जो था वो बहुत ही अलग था, जिसका नाम था कम्युनिस्ट सोसाइटी, और इसको सपोर्ट करने वाला ये दो व्यक्ति था, एक था कार्ल मार्क्स और दूसरा था फ्रेडरिक एंजल्स। ये दोनों जितने भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी थे उनको कैपिटलिस्ट करके बुलाता था। तो ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी था ये था क्या, एक ऐसा समाज जहाँ पे वर्कर्स आज़ाद हों, किससे, पूंजीवादी लोगों के अत्याचार से, और साथ ही साथ वो क्या करें, जहाँ पे प्रॉपर्टी सभी लोगों के बीच में बराबर बांट दी जाए, वैसे समाज को कहा गया कम्युनिस्ट सोसाइटी। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट में सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो 19th सेंचुरी आते आते पूरा का पूरा सोशलिज्म फैलने लगा पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। इसको सपोर्ट करने के लिए सोशलिस्ट ने क्या किया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था द सेकेंड इंटरनेशनल, ताकि इनका जो सोशलिस्ट का जो इफोर्ट है वो इनकरेज हो सके, और अच्छा लिविंग कंडीशन के लिए ये लोग यानी अलग अलग कंट्री में ये समाज क्या करने लगे, अपना अपना एसोसिएशन बनाने लगे। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ SPD, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी का, लेबर पार्टी ब्रिटेन का, और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस का। ये सब पार्टी है, आज के समय में बहुत फेमस पार्टी है, लेकिन उस समय बना था बस एक एसोसिएशन के रूप में जो वर्करों को सपोर्ट कर सके। तो ये क्यों बनाया जा रहा था, उसका देखो कारण यहाँ दिया है, ये फंड सेट करते थे ताकि जो मेंबर डिस्ट्रेस में है या जिनका वर्किंग आवर घटाना हो या फिर वोटिंग राइट देना हो, इन्हीं सब चीज़ों के लिए एसोसिएशन फाइट करता था।
तो इस तरह से आपका ये चैप्टर टू का लेसन वन द एज ऑफ सोशल चेंज कंप्लीट होता है। मैं इमेज के साथ इस पूरे चैप्टर का आपका होमवर्क के रूप में नोट्स सेंड कर देने वाला हूँ। थैंक यू।